जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ, भिन्नों के एलसीएम और एचसीएम कैसे फाइंड करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं हमने पहले ही एलसीएम और एचसीएफ के पर्टिकुलर वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आपको नहीं आ रहा है, नहीं पता, तो आप उस वीडियो को पहले हमारे चैनल पर जाकर के देख लीजिए। मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप ये सारी वीडियो कैसे खोज लेंगे, ठीक। तो चलिए हम अभी इस वीडियो को ध्यान देते हैं। तो देखिए, एक नॉर्मल बैकग्राउंड दे देता हूं मैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक। तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक। यदि इसे एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। तो प्लीज उसके लिए आप एलसीएम का वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक ना। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्ण विभाजित कर दे, ठीक। तो वो होता है एचसीएफ। इसका भी पर्टिकुलर वीडियो है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हम इसके पहले क्या करते थे, जो मैं वीडियो सजेस्ट कर रहा हूं आपको, उसमें हम एक नॉर्मल नंबर का किए थे, जैसे 25, 36, 42, इन जैसे तीन नंबर दिए हैं, इनके हम एलसीएम निकाले हैं या कि फिर एचसीएफ निकाले हैं, ये हमारे नॉर्मल नंबर हो गए। अब हमें क्या करना है, भिन्न वाले नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब भिन्न क्या होता है, भिन्न देखिए, जैसे 5/2 हो गया, ये हमारा भिन्न हो गया जो कि बटे में होता है, ठीक। जो बटे में होता है वो हमारा भिन्न कहलाता है। 3/3, जैसे 3/4 हो गया, ये हमारा भिन्न हो गया। तो क्या होता है, इसमें एक अंश होता है और एक हर होता है। ये क्या हो जाएगा, अंश, और ये कहलाएगा हर, ठीक। मतलब ये न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर, ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। तो देखिए, यदि हम किसी भी भिन्न का एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर सभी भिन्न के अंशों का एलसीएम करेंगे और सभी भिन्न के हरों का एचसीएफ करेंगे। एलसीएम और यहां पे हम एच सी एफ, ठीक। तो एलसीएम और एचसीएफ। और यदि भिन्न को एचसीएफ निकालना है तो हम अंशों का एचसीएफ करेंगे और हर का एलसीएम करेंगे। आया समझ में, याद करने का सबसे आसान तरीका, यदि एलसीएम निकालना है तो ऊपर में एलसीएम और नीचे में एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर में एचसीएफ जो निकालना है वही और नीचे में एलसीएम। आया समझ में। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन के तरीके समझते हैं। सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन है कि 1/2, 2/3 और 3/4 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम, ठीक। तो ये कैसे करेंगे, ये तीनों नंबर हमें पता है कि ये क्या है, भिन्न में है। कौन कौन से नंबर दिए हैं, 1/2, 2/3 और 3/4, ये हमारे पास तीन नंबर है। इनमें से ऊपर वाले कहलाते हैं अंश और नीचे वाले कहलाते हैं हर। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, तो फॉर्मूले में क्या था कि अंश, जो हमें एलसीएम निकालना है ना, तो अंश का क्या करना है, एलसीएम ही निकालना है और हर का एचसीएफ निकालना है। तो अंश वाले अंक कौन कौन से हैं, अंश वाले ये हैं अंश। तो अंश में कौन कौन सा है, 1 है 2 है और 3, 1, 2 और 3, ये तीनों क्या हैं, अंश हैं। इनके क्या करने हैं, हमें एलसीएम निकालना है। और हर में कौन कौन सा है, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, ये क्या है, हर में है। तो इनका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो बताइए, 1, 2, 3 का एलसीएम क्या होगा, कैसे निकालते हैं हम, 1, 2 और 3 एलसीएम निकलेगा, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2,
और तीन, फिर तीन एक कम तीन, तो दो तीन दूनी छह, क्या हो जाएगा एलसीएम हमारा आ गया छह, एलसीएम हमारे पास आ गया छह। अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इन सभी में कॉमन क्या आना चाहिए, तो देखिए दो तीन और चार इनमें कॉमन कौन सा है, दो लेंगे तो इनमें से नहीं है, तो हमें ये क्या हो जाएगा दो गुणे एक, ये क्या हो जाएगा तीन गुणे एक, और ये हो जाएगा दो गुणे एक, तो सभी में कॉमन क्या है एक, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा कि एक बटे दो, दो बटे तीन और तीन बटे चार का एलसीएम क्या होगा, ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम क्या आया है छह, और नीचे वाले का एचसीएफ, तो दो तीन और चार का एचसीएफ आया एक, तो हमारा एक बटे दो, दो बटे तीन और तीन बटे चार का एलसीएम हो जाएगा छह बटे एक। आया समझ में। अब हम एलसीएम बस नहीं निकालेंगे, इसमें हम एचसीएफ भी निकालेंगे, ठीक। तो हम इन्हीं नंबरों का एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या था, एचसीएफ का फॉर्मूला था कि ऊपर वाले नंबरों का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले नंबरों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक। ये फॉर्मूला आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, एक दो और तीन का एचसीएफ निकालना है, तो आपको नॉर्मली समझ में आ गया होगा, पुराना वीडियो देखे होंगे कि एक दो तीन का एचसीएफ मतलब तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं होता है तो हमारा एक होता है। अब दो तीन और चार का एलसीएम निकालना है, तो दो तीन और चार एलसीएम कैसे निकलेगा, दो से कटेंगे पहला, दो एक कम दो तीन और दो दूनी चार, ओके। अब हम काटेंगे फिर दो से, तो दो एक कम दो तीन और दो एक कम दो, अब तीन से काटेंगे तो एक यहां भी एक यहां एक यहां, तो क्या आ गया दो गुणे दो गुणे तीन, दो गुणे दो गुणे तीन आया क्या, दो दूनी चार, चार ती आई बारह, तो एलसीएम क्या आ गया बारह। तो हमारा एक बटे दो, दो बटे तीन और तीन बटे चार का एचसीएफ हो गया क्या एक बटे बारह। तो आपको समझ में आ गया। अब जो हमारा थंबनेल में दिया गया है ये सवाल, उसका हम एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, एक और एग्जांपल, ठीक। तो ध्यान से समझिएगा, तो और जो बच्चों को पता चल गया है, समझ में आ गया है, वो वीडियो को पॉज करके ये सवाल को पहले अपने कॉपी में सॉल्व कीजिए, ठीक, उसके बाद वीडियो को आगे देखिएगा। तो समझ में आ गया कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो देखिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, एलसीएम निकालना है तो ऊपर में ही एलसीएम होगा और बचे हुए नीचे एचसीएफ होगा। तो ऊपर में कौन कौन सा है, 24, 18 और 36, इसका क्या करना है हमें, एलसीएम निकालना है, ठीक। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, देखिए 24, 18, 36, अब एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो देखिए, 2 12 हो जाएगा, 18 को 2 नाम 18 और 36 का 18 दूनी 36, फिर 2 से कटेगा 2, 2 छक्का 12, ये नहीं कटेगा तो ऐसे ही आ जाएगा और 2 नाम 18। अब 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9, अब 3 से कटेगा तो ये 2 यहाँ 1 यहाँ 1, तो क्या हुआ 2 दूनी 4, तियाई 12, तियाई 36 और 36 दूनी 72, आया 72। अब क्या करना है, नीचे वालों का एचसीएफ निकालना है, तो नीचे वाले कौन कौन से अंक है, 9 है, 27 है और 15 है, तो क्या हुआ हमें इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकलेगा, इन सभी में कॉमन, तो 9 क्या है 3 गुणे 3 है, 3 तिकाई 9, ये क्या है 3 गुणे 9 है, 9 त्रिक 27, ये क्या है 3 गुणे 15 है, ये 5 है, 3 गुणे 5 है, तो देखिए 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां, इसके अलावा और कोई कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता। तो जो कॉमन होता है, जो सभी में होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसमें क्या हो गया 3 हो गया, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हुआ ये हो जाएगा 72/3, तो क्या हुआ ये कट जाएगा, तो क्या जाएगा 3 एक कम 3 दूनी 6 और 3 चको 12, तो आ गया हमारा 24/1, अर्थात 24/9, 18/27, 36/15 का एलसीएम हमारा 24 आया है, जिसे हम 24/1 भी बोल सकते हैं, ठीक। अब आप
इसका SCF निकालिएगा, कुछ मत कीजिएगा। आप क्या करेंगे, SCF का फॉर्मूला क्या होता है, 24, 18 और 36 का क्या करेंगे आप HCF निकालिएगा, और 9, 27 और 15 का LCM निकालिएगा। जो भी आएगा आप HCF बटे LCM कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये SCF आप खुद भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले आप अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपके में दी रेड बटन दिख रहा है, आप देखते हैं वीडियो देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा, जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद ये बेल आइकन आएगा, बेल आइकन जब प्रेस करेंगे आप तो यहाँ पे तीन ऑप्शन पहुंचेंगे, तो आपको ये ऑल वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे दिखने लगेगा। ठीक, तो जब ऐसे दिखने लगे तो आपने हमारे चैनल से जुड़ दिए हैं। ठीक, तो आप लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आ रही है, और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, और इस चैनल पर 9th और 10th क्लास की NCERT की बुक पूरी तरह से सॉल्व की जा चुकी है, पूरा इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल के हर एक एग्जाम्पल, एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया गया है। इस चैनल पे कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, आप कुछ नहीं, जब आप यहाँ होंगे तो आपको मेरे इस नाम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका ये इंटरफेस ओपन होगा, उसमें आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। जब प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो नीचे जब स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो आपको ये 10th की पूरी मैथ की NCERT बुक मिल जाएगी, यहाँ से पूरे हर एक चैप्टर का, और यहाँ पे 9th क्लास की मैथ की पूरी सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर मतलब एक्सरसाइज, पूरे एक्सरसाइज, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन और हर एक एग्जाम्पल। तो ये वीडियो अपने 9th क्लास 10th क्लास की जितने भी आपके पहचान है उन्हें सजेस्ट जरूर कीजिएगा ये चैनल। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।